हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो देखिए गाइस, कावड़ी कावड़ लेके आ रहे हैं। सावन का महीना लगा हुआ है और सच में गाइस, ये जो हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, तो भोले बाबा सच में इनमें बहुत शक्ति देते हैं। मैं तो गाइस सोच सोच के हैरान हूँ कि उत्तराखंड से यहाँ तक पैदल चल के आ रहे हैं। सच में भोले बाबा ने इनको बहुत शक्ति दी है। भोले बाबा इन कावड़ियों की मनोकामना पूर्ण करें। बम बम भोले। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कावड़ियों का रहने का प्रबंध किया गया है। ये इनके लिए नहाने का टैंक रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए गाइस, पूरे रास्ते पूरे रोड पे कावड़िये नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ कावड़िए नज़र आती है। ये हरियाणा रोडवेज बस आ रही है हमारी। जहाँ भी देखे वहीं कावड़िए नज़र आते हैं। भोले बाबा ने बहुत शक्ति दे रखी इनमें कि उत्तराखंड से ये यहाँ तक पैदल चल के आ रहे हैं और साथ में अपने कावड़ ले रखे इन्होंने। सच में बहुत शक्ति मिली थी भोले बाबा ने, इनको बहुत शक्ति दे रखी। बहुत मेहनत कर रही है और हम जा रहे हैं गोवाना। गोवाना की जो ये सड़क है, इस पे बहुत कावड़ी आ रहे हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं। भोले बाबा इनने बहुत शक्ति दे रखी है इनको। आज जगह जगह पर कावड़ी है क्योंकि 16 तारीख नहीं है, क्योंकि 16 तारीख की शिवरात्रि है और उसके लिए अब ये कावड़ लेके आ रहे हैं। बहुत दूर दूर तक से आए ये, बहुत दूर से आए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ यात्रा इनकी सफल रहे। भोले बाबा इनको शक्ति दें। और ये चला रहे हैं गाड़ी। हाँ जी, अभी बोल नहीं सकते। 3-4 दिन से ना बहुत गर्मी थी, है ना, और बारिश होने के बाद अब मौसम ठीक हो रखा है। लेकिन धूप निकलाई आज भी, और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, हम तो इधर आ गए। क्या करें, रास्ते में मिल गया नहीं। रास्ते में कैसे मिलेंगे, उनकी छुट्टी एक की तो शायद 1:30 बजे होगी, एक की 2:30 बजे होगी। दोनों अलग अलग टाइम पे आते हैं। देखिए गाइज, ये बन रहा हमारा पुल। देखिए गाइज, हमारे यहाँ बहुत कम हरियाली है। ये हरियाणा में बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। हिमाचल में बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा। अभी हम हिमाचल जाके आए हैं 4 दिन पहले। वहाँ पे बहुत हरियाली है और बारिश हो रही है टाइम टाइम पे वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ रोड पे तो हरियाली है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं सामने, तो बिल्कुल हरियाली लग रही है। रोड पे ना बिल्कुल हरे हरे पेड़ खड़े हुए हैं, हरे भरे पेड़ हैं। आराम से चलाओगे। और ये साइड में नहर, और ये देखिए सामने आ रही कावड़ी है। ये देखिए कैसी कावड़ है, गाड़ी की शेप में दियो कावड़ी। अलग अलग तरह की कावड़ लेके आ रही है कावड़ी है। तेज धूप निकलाई है, बहुत तेज धूप है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको सामने का व्यू। ये देखिए कितनी अच्छी सी मेरी नजर आ रही है। रेलवे क्रॉसिंग जाम लग जाता है जब रेलवे क्रॉसिंग हो जाती है। हम इस रेलवे क्रॉसिंग से बहुत परेशान हैं। कम से कम 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे, पूरा जाम लग जाता है।
हर हर महादेव। ये उनका रुकने का प्रबंध कर रखा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए, देखिए गाइस, इसमें भोले बाबा की मूर्ति भी लगा रखी है। इतने भारी भारी ट्रक में देखना, माल के भरे होंगे ये भी। और यहाँ पे बनती है छोटी छोटी ट्रेली, ये देखिए छोटी छोटी ट्रेली खड़ी है यहाँ पे। और ये टैंक भी खड़े हुए यहाँ पे, पानी के जो टैंक होते हैं वो भी यहाँ पे बन रहे हैं। कहाँ थी कौन सी है? और ये सामने खड़ा हमारे शान, मारना दे भाई, आराम से ले लो। कितनी जल्दबाजी लगी हुई इनको, देखना कैसी निकल रही है। अपने उस पर तो चल ही नहीं रही, कैसे निकाल जाती है अपनी तो। भाई कैसा ट्रक है ये, इस ट्रक के ऊपर लंबी जैसी भी लग रही है तो रखता है। और ये सामने है नर्सरी, इसमें मिलते हैं पेड़ पौधे छोटे छोटे घर में लगाने के लिए। ये देखिए सामने है। तो ये गाइज, अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए छोटा ट्रैक्टर आ रहा है जवार लेके। देखिए गाइज, मैं आपको कितना सुंदर व्यू दिखा रही हूँ। ये इतने बड़े बड़े, ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। इन्हीं से बॉर्डर लगता है, ये सेफली नहीं चलाते, पता नहीं कैसे चलाते। तो गाइज, मैं अपने ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।